हाय गाइस, अमेंडमेंट सेशन टू में आपका स्वागत है। नाउ यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स हुए रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। काफी लोग फ्रॉड रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, इसलिए फ्रॉड रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट्स है, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्ट अमेंडमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, पूरे रूल्स जितना भी रिक्वायर्ड है मैं आपको स्टार्ट टू एंड पूरा पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस से वीडियो देखना है। अच्छा, अपन ने रजिस्ट्रेशन के सेक्शन देखे थे, सेक्शन 22 जहाँ पे था लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन टर्नओवर था। देन सेक्शन 24 था जो था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, एंड सेक्शन 25(3) था जो था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन के तीन सेक्शंस हैं। सो चलो पढ़ते हैं। तो रूल 89 अपन ने पढ़ा था जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दिया था। तो देखो रूल 89 क्या था, टू प्रिवेंट फेक रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का यूज किया गया था। देखो तो ये अपन पहले बेसिक प्रोविजन रिवाइज करते हैं। रूल 8 में अपन देखा था कि आपको पैन वेरीफाई करना है सीबीडीटी के वेबसाइट पे, आधार कार्ड वेरीफाई करना है विद हेल्प ऑफ ओटीपी, ये दिया है। तो पैन लिंक मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस विल बी कैप्चर रिकॉर्डेड फ्रॉम एंड रिकॉर्डिंग फ्रॉम GST REG 1। मतलब आपका मोबाइल नंबर जो है एंड ईमेल आईडी वो ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा, पैन कार्ड सीबीडीटी के वेबसाइट से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपका ये GST REG 1 में रिकॉर्ड होगा, एंड फिर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये वेरिफिकेशन होंगे। तो रूल में अपन ने पढ़ा था कि फॉर्म GST REG 01 का जो पार्ट ए है उसमें तीन चीजें अपने को चाहिए। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, पैन कार्ड था जो सीबीडीटी के वेबसाइट पे वेरीफाई होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। वो भरने के बाद आपका पार्ट बी ओपन होगा जहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स डालना है, नीचे मैंने दिया है। अभी ये एक छोटा सा अमेंडमेंट जो बोलेंगे ना, तो इन द स्टेट ऑफ गुजरात वो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन एंड रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बता दो ये क्या है। तो उसके जैसे रूल 89 में कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने किए हैं जिससे उनका पर्पज क्या है, फेक रजिस्ट्रेशन को रोकना है, फेक रजिस्ट्रेशन को रोकना है। अगेन इसमें से काफी चीजें अपन क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक बार प्लीज देख लेना। चलो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एकदम फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला, आपको पार्ट ए में तीन चीजें वेरीफाई करना है। क्या क्या वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड। वो वेरीफाई कैसे होगा हमने बता दिया है। ये होने के बाद पैन कार्ड सीबीडीटी के वेबसाइट पे वेरीफाई होगा, हमको पता है सर। बाकी पैन मोबाइल नंबर इस पे ओटीपी आएगा आपको। ये भरने के बाद एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, एंड ये नंबर यूज करने के बाद जो आपका पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फिर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, ब्रांचेस कहाँ पे है, कौन सी एक्टिविटी है, है ना, बैंक डिटेल्स, जो भी जीएसटी की रिक्वायर्ड है वो पार्ट बी में आएगा। ओके, तो ये भी ठीक है। ये सब भरने के बाद आपको एक मिलेगा एक्नॉलेजमेंट। क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑल द डिटेल्स इन फॉर्म बी। अभी एक्नॉलेजमेंट का मतलब है अपना एप्लीकेशन मिल गया, लेकिन इनके सब CTP उनको क्या करना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो उनको एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था CTP जब तक एडवांस में डिपॉजिट नहीं करेगा 5 दिन बिफोर द डेट ऑफ बिजनेस उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता। अपने को एडवांस डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, अपने को नंबर आएगा, फिर अपन बिजनेस करेंगे, फिर GST भरेंगे, फिर आपका एप्लीकेशन जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के पास। तो एक्नॉलेजमेंट आने के बाद CTP क्या करेगा, टैक्स भर देगा, बाकी सब लोग रुकेंगे क्योंकि अपन ने उनको एप्लीकेशन दे दिया है, अभी प्रॉपर ऑफिसर पूरा चेक करेगा, है ना। चलो अभी चेक कर देखो क्या होगा ना, प्रॉपर ऑफिसर क्या क्या करेगा। अभी आपका एप्लीकेशन कहाँ पे चला गया, प्रॉपर ऑफिसर चला गया, उसमें अगर सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके तो आपको 7 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विद इन 7 working days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विदाउट साइट वेरिफिकेशन, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिला है उसके बाद 7 दिन में क्या होगा, जिस दिन अपन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसी दिन अपने को मिलता है एक्नॉलेजमेंट, तो वहां से 7 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। हाँ, अभी साइट वेरिफिकेशन कब नहीं होगा, अगर आपने आधार कार्ड वेरीफाई किया तो, मैंने कहा आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया रजिस्ट्रेशन करते समय, तो फिर 30 days में साइट वेरिफिकेशन होगा। देन दूसरा ऑप्शन है 30 days में भी रजिस्ट्रेशन आ सकता है, तो या तो रजिस्ट्रेशन 7 दिन में आएगा या तो 30 days में आएगा। 30 days में कब आएगा, पहला अगर आप आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं किया तो अपने अप्लाई करने के बाद आधार कार्ड अपने उस समय वेरीफाई किया 7 दिन, अगर आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया तो 30 days।
वेयर एप्लीकेंट फेल टू अंडरगो आधार इट डज नॉट ऑफर, तो 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन क्या होगा मिल जाएगा। एंड फिर वहां पे उनको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखो ये है, वेयर अ पर्सन हु हैज अंडरगोन द आधार ऑथेंटिकेशन इज आइडेंटिफाइड ऑन कॉमन पोर्टल ऑन रिस्क एनालिसिस, उसका भी साइट वेरिफिकेशन होगा। ये नया पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं, बाकी अपन ने सब पढ़ा है, पहले अपन ने ए एन बीच पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार बता देता हूँ, एक्नोलेजमेंट मिलने के बाद सब कुछ ओके है तो आपको 7 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर आपने आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया तो इट विल टेक 30 डेज, उस केस में आपका साइट विजिट होगा एंड उसके बाद आपको 30 डेज में रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो दिस इज द न्यू पार्ट, आपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी किया है फिर भी गवर्नमेंट को डाउट है कि कुछ लोग फेक रजिस्ट्रेशन लेते हैं। अभी टीवी पे काफी बार आता है कि नहीं कि आधार कार्ड भी लोग फेक बना रहे हैं, तो फिर उनका भी ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क पैरामीटर उनका एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, दे विल असेस द रिस्क एंड बेस्ड ऑन रिस्क दे विल डू फिजिकल वेरिफिकेशन। ये नया पॉइंट है, वो क्या करेंगे, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपको रजिस्ट्रेशन भी दे सकते हैं। मतलब ये कब है, आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करने के बाद भी हो सकता है। तो इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, आधार कार्ड वेरीफाई नहीं करेगा तो टोटल 30 डेज में वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे फिर नंबर देंगे। अभी नया पॉइंट क्या मैं पढ़ा रहा हूँ कि हमने आधार कार्ड वेरीफाई किया है फिर भी अगर वो चाहते हैं बेस्ड ऑन द रिस्क एनालिसिस सिस्टम, वो 30 डेज वो आके क्या करेंगे, साइट विजिट करेंगे एंड फिर वो चेक करेंगे कि सब करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अगर प्रोफेसर कुछ डाउट है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया वो बराबर नहीं है, तो अपन ने पढ़ा था आपको एक नोटिस आएगा, जीएसटी REG3 अपन ने पढ़ा था, याद है ना, कि REG4 था, REG3 एक्नोलेजमेंट है, बोलो कि REG2 है एक्नोलेजमेंट, जीएसटी REG2 इज एक्नोलेजमेंट, 1 एप्लीकेशन, 2 एक्नोलेजमेंट, 3 आपको नोटिस आएगा। तो नोटिस आने के बाद आपको क्या करना है, आपको 7 दिन में रिप्लाई करना है एंड अगर आधार कार्ड का इश्यू है तो 30 डेज, तो आपको एप्लीकेशन के बाद 7 दिन में रिप्लाई करना है जो भी उनके क्वेरीज है। एंड 30 डेज कौन से केस में, अगर आपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं किया है, प्रॉपर ऑफिस लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होना क्या है जरूरी है, या फिर यह नया पॉइंट आपने आधार कार्ड वेरीफाई किया है बट स्टिल उनको लगता है कि फिर भी साइट वेरिफिकेशन करना जरूरी है, तो ये नया पॉइंट है। तो अगर आपको नोटिस आता है तो या तो आपको 7 दिन में रिप्लाई करना है नॉर्मल केस में, एंड आधार कार्ड के केस में 30 डेज में आपको उनके जो भी क्लेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, 3 चीजें मांग सकते हैं, क्लेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, ये आपको या तो 7 दिन में देना है या 30 डेज। तो नया पॉइंट कौन सा है, व्हाट इज द न्यू पॉइंट हियर, कि जिन लोगों ने आधार कार्ड वेरीफाई भी किया है उनके वहां भी जा के वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिस्क इवैल्यूएशन सिस्टम। हर एक का नहीं होगा बट कुछ लोगों का होगा, एंड बाकी नॉर्मल केस में 7 दिन, कुछ डिस्क्रिपेंसी नहीं है, मतलब आधार कार्ड का इश्यू नहीं तो 7 दिन में रिप्लाई करना है। अच्छा, आपने रिप्लाई किया, आपने क्लेरिफिकेशन दिया या तो 30 डेज या 7 डेज है, उसके बाद ऑफिसर को 7 दिन मिलेंगे। 7 दिन में 2 ऑप्शंस, उसको लगता है कि आपने रिप्लाई बराबर किया है तो आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन GST REG6, एंड अगर आपने रिप्लाई बराबर नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर देगा, रिजेक्शन का नोटिस आएगा GST REG5 में। तो कितने फॉर्म मैंने आपको बताया, GST REG 01, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 का जो पार्ट 1 था वो क्या था, वो तीनों चीजें वेरीफाई करना, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पार्ट बी क्या था, बाय यूजिंग टेम्पररी रेफरेंस नंबर TRN आप पार्ट बी भरोगे। फिर 2 क्या था, एक्नॉलेजमेंट। 3 क्या था, नोटिस, ये रिप्लाई टू नोटिस। फिर या तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा या फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सभी नंबर्स अच्छे से लर्न करना है, एटलीस्ट पहले 6 अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं रिवीजन भी ले रहा हूँ और अमेंडमेंट्स भी कर रहा हूँ, डायरेक्टली अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा, इसलिए पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस से देखना है। तो नई चीज़ क्या बताओ, ये वाला पार्ट जो मैंने स्टार किया है, ये नई चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके।
नाउ डीम अप्रूवल, ये भी अपन ने पढ़ा था। ऑफिसर का कितना समय है, या तो 30 डेज है, 7 डेज है, एंड अगेन 3 बार 7 डेज है। कैसे 7 डेज? सिर्फ पहले आपने डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके है तो 7 दिन में उसको बताना है। सेकेंड थिंग, आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया तो 30 डेज में बताना है। एंड तीसरा, उसने आपको नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद उसको अपने रिप्लाई करने का 7 दिन है, तो ओवरऑल उसको 2 बार 7 दिन और 1 बार 30 दिन मिलेंगे। अगर उस 7-7-30 दिन में उसने अगर कुछ भी अप्रूव नहीं किया तो डीम टू बी अप्रूव्ड माना जाएगा। उसको क्या मानेंगे? डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। 7 दिन 7 दिन 30 डेज। 7 दिन कहाँ पे? सब कुछ ओके है तो 7 दिन में रिप्लाई करना है। आधार कार्ड का इशू है तो 30 डेज। नोटिस भेजा है, हमने नोटिस को रिप्लाई किया है GST REG 4 में, फिर उसके बाद वापस उसको 7 दिन मिलेंगे, या तो एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। तो इसमें उसने कुछ भी नहीं किया तो डीम टू बी अप्रूव माना जाएगा। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। Thus, in case of successful authentication of Aadhaar, no show cause being issued, registration will be deemed to be approved within 7 working days. है ना? तो अगर नोटिस नहीं आया एंड आपने आधार कार्ड वेरीफाई किया है तो ऑब्वियसली 7 दिन में आपको नंबर मिलना चाहिए। However, if Aadhaar authentication is not opted for or Aadhaar authentication failed in validation, PO deems it fit to carry out site verification and no show cause notification, registration will be deemed to be approved within 30 days. मतलब क्या है? आपने आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है, आपने ऑप्ट नहीं किया आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए, तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो मे ऑप्ट बोला है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है एंड फिर 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ये भी अपन ने पढ़ा है ना। अभी ये पॉइंट को स्टार करो। टैक्स ऑफिसर कैन इश्यू सो कॉज विद इन 7 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी सर रजिस्ट्रेशन देने के बाद कौन सा सो कॉज नोटिस, जो मैंने कहा था ऊपर, ये अभी उनका रिस्क असेसमेंट सिस्टम पे उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, काफी लोग आधार कार्ड फेक बना के रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। एंड अभी टीवी पे आता है आधार कार्ड फेक, पैन कार्ड तो पहले से बन रहे थे पर आधार कार्ड भी लेटेस्ट आने लगे, ठीक है, फेक आधार कार्ड बन रहे हैं। तो वो रिस्क एनालिसिस बेसिस पे वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो टैक्स ऑफिसर कैन इश्यू सो कॉज नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस सक्सेसफुल आधार, आपने आधार कार्ड ऑथेंटिफाई किया है। हाउएवर इन केस वेयर टैक्स पेयर डू नॉट प्रोवाइड आधार कार्ड, तो वो ये करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट अपन ने ऑलरेडी कवर किया है। नाउ तो अभी ऊपर का प्रोसीजर काफी सिंपल था, इसलिए ये रूल्स लाए गए, ये भी अपन ने क्लास में कवर किए हैं। सेक्शन 25(6)A, 6(b), 6(c) एंड 6(d) तो ये अपन ने ऑलरेडी कवर किया है, मैं आपको बता देता हूं क्या है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अभी उन्हें बोला कि जो लोग नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनके लिए बिना आधार कार्ड के कुछ होगा ही नहीं, करेक्ट ना? सो ये कर दिया, ये हैंडलिंग करना है। आधार कार्ड KYC बेस्ड रजिस्ट्रेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर GST लॉ। तो आधार कार्ड का जो होगा वो EKYC बेसिस पे क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। जो नए लोग हैं उनके लिए आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन क्या होगा, मैंडेटरी होगा, मतलब बिना आधार के कुछ होगा ही नहीं। एंड उसका KYC किया जाएगा ताकि जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो नहीं होगा, करेक्ट ना? तो बाकी प्रोसेस सेम ही है, बाकी प्रोसेस सेम ही है। देखो दिया है ना, हाउ आधार कार्ड वेरिफिकेशन डन न्यू रजिस्ट्रेशन। While filing the application for registration, the applicant gets option as to whether he wants to opt for Aadhaar authentication or not. If he say yes for Aadhaar authentication, GST system send authentication link on his mobile number, email ID of promoter partner, जो भी main बंदा है उसका। On clicking the verification link, window for Aadhaar verification open, जहाँ पे आपको Aadhaar number डालना है, OTP आपके mobile पे आएगा, उसको enter करना है, खत्म। ये मैंने class में भी कहा था कि जब भी आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन ऑप्ट करते हो तो लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करो, आधार नंबर डालो, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP में एंटर करो, आधार कार्ड आपका वैलिड हो गया। वंस आधार कार्ड हैव बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड, हिज एप्लीकेशन विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड विद इन 7 वर्किंग डेज एंड द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हिम विल नॉट बी मार्क्ड फॉर मैंडेटरी साइट विजिट। फिर आपका साइट विजिट नहीं होगा।
हाँ, अगर उन्होंने शो कॉज नोटिस रेज किया तो होगा, जो मैंने ऊपर कहा था, उनको लगता है कि करना है तो कर सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ एप्लीकेंट डज नॉट ऑफर अदर नोटिफिकेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसका फेल हो गया वैलिडेशन, नहीं हो पाया, देन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल नॉट बी डीम अप्रूव्ड विद इन 7 days एंड इट विल बी मार्क फॉर मैंडेटरी साइट विजिट एंड देयर आफ्टर बाय द टैक्स ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल बी ग्रेट अप्रूव विद इन 30 calendar days। तो अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो पाया ड्यू टू सम प्रॉब्लम, या आपने वेरीफाई करना रहेगा आपसे, तो फिर वो आपका फिजिकल आपके प्रीमाइसिस में आएंगे, चेक करेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन 30 days में होके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन को क्या किया गया, ऑल द रेगुलर टैक्स पेयर एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू गेट आधार कार्ड ऑथेंटिकेट फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, एंड एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर कैन गेट हिमसेल्फ आधार कार्ड ऑन जीएसटी पोर्टल बाय यूजिंग और अपलोडिंग द ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नाउ अभी ये रूल अपन ने पढ़े थे, एक बार अपन रिवीजन करते हैं वापस। एज पर सेक्शन 25(6)(a)(6)(b)(6)(c), अगर आपके पास नोट्स है तो एक बार प्लीज चेक कर लेना, यहाँ पे आधार कार्ड का ही दिया है, ए में कौन है, बी में कौन है, सी में, पर देख लेना एक बार। सो एवरी इंडिविजुअल एप्लीकेंट और एन एप्लीकेंट अदर देन इंडिविजुअल शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन and furnish proof of possession of Aadhaar number in the manner prescribed in rule 84A. अच्छा, authenticate कैसे करना है आपको पता है, वो same ही है। अच्छा, आधार कार्ड का submit करना है, मतलब आपका application कब accept माना जाएगा आधार कार्ड verify करने के बाद, जिस दिन अपने आधार कार्ड को verify किया वो दिन, या फिर part B submit करने के बाद 15 days, whichever is earlier, वो आपका acknowledgement का date, वो आपका application submit का date माना जाएगा। एंड वहां से फिर जो 7 दिन का समय ऑफिसर के पास की, वो वहां से काउंट होगा। तो ये इसमें से जो अर्लियर आएगा दैट विल बी द डेट जहां पे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया ऐसा माना जाएगा। ये भी अपन ने पढ़ा है कि अगर इंडिविजुअल है तो उसको खुद का आधार कार्ड वेरीफाई करना है, एंड अगर इंडिविजुअल नहीं है तो फिर जो कंपनी के मेन पर्सन है, डायरेक्टर है, पार्टनरशिप में पार्टनर है, एचओएफ में करता है, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ट्रस्टी है, जो भी है, तो उनका आधार कार्ड आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये बस ये जो ये इतना है, रिस्क बेट बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट पायलट प्रोसीडिंग गुजरात। सो इन अप्रूव टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या चेंजेस किए, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ हाई रिस्क एप्लीकेंट। बायोमेट्रिक बेस्ड मतलब अपन ऐसा कर देना, अगर आप सिम कार्ड लेने जाते तो ऐसे करके देते, उस बेसिस पे किया जाएगा। इसके पहले क्या होता था, यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड आधार नंबर एंड ओटीपी आके रजिस्ट्रेशन मिलता था। तो गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि इसमें चोरी हो सकती है, बिकॉज पीपल आर हैविंग फेक आधार कार्ड, दैट मींस दे आर हैविंग फेक नंबर, तो इट्स वेरी इजी टू गेट ओटीपी ऑन एनी नंबर। एंड आपको पता है हाईटेक इंडस्ट्री में लोग कैसे चीटिंग करते हैं, तो अभी बायोमेट्रिक लाया गया है, नॉट फॉर ऑल हाई रिस्क एप्लीकेंट के लिए बायोमेट्रिक लाया गया है, तो डायरेक्ट उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। An applicant who has opted for authentication of Aadhaar card and who is identified on the common portal based on data analysis and risk parameter, तो उसको क्या करना पड़ेगा, biometric करना पड़ेगा। बस guys इतना ही amendment है पूरे chapter में, बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब revision है। अपन मैंने कहा था कि मैं detail में आपको पढ़ा रहा हूँ, खाली मैं amendment पढ़ाता तो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने पूरे detail में नहीं पढ़ा है, बट जो basic चीजें मैंने आपको ground ready करके दिया है ताकि gap ना हो। तो amendment क्या है, government ने उनका रिस्क एनालिसिस का कोई सॉफ्टवेयर बना रहेगा, उस बेसिस पे जो हाई रिस्क एप्लीकेंट है उनको बोलेंगे खाली आधार कार्ड नॉर्मल वेरीफाई करके नहीं चलेगा, वो बायोमेट्रिक पे जाके वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो इंडिविजुअल का हो या इंडिविजुअल का नहीं हो, करता वगैरह सबके लिए प्रोविजन है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अब इसके बारे में आज क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि हाई रिस्क एप्लीकेंट कौन आएंगे, तो उसमें भी कुछ आएगा आगे तो मैं बता दूंगा, बाकी सब सेम ही है, ये बाकी सब सेम ही है। ये भी सेम ही है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब सेम ही है, ये भी अपन ने पढ़ा है कि अगर से मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो अल्टरनेट वायबल मीन से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत
नहीं है, दिस इज ऑलरेडी टेकन केयर। ये सब मैंने ऑलरेडी कवर किया, आपके नोट्स में है, सबके नोट्स में है। बस अभी यहां पे एक अमेंडमेंट है रूल 12(3) में, तो गाइस इसके ऊपर का ये 25(6)(d) अपने नोट्स में आप चेक कर लें, ये सब मैं पढ़ा चुका आपको, एंड रूल 10(b), ये सब अपन ने कवर किया है, तो यहां तक आप जरूर पढ़ना। एंड अमेंडमेंट क्या है वापस बता देता हूं, बस ये ध्यान में रखना कि अभी गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि बायोमेट्रिक आधार बेस्ड वेरिफिकेशन लेके आने वाली है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है फॉर हाई रिस्क एप्लीकेंट, बिकॉज उनको से लग रहा है कि काफी लोग आधार कार्ड में झोल करके रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। नाउ ऑप्शन मेड अवेलेबल टू टीडीएस टीसीएस रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन रूल 12(3) अमेंडेड। एज पर रूल 12(3) रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स or to collect tax or source should be can could be cancelled if only if upon an inquiry or pursuant to any order proceeding under CGST Act the proper officer is satisfied that such person is no longer liable to deduct TDS or collect TCS। मतलब क्या बोला है कि सेक्शन 51-52 में जो TDS कलेक्ट होता था, TCS कलेक्ट होता था, अगर उनको उनका नंबर कैंसिल करना है तो डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते थे। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि दे आर नॉट लायबल टू डू TDS कंप्लायंस अंडर सेक्शन 51 एंड TCS, अच्छा 51 क्या था, अगर आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं एंड वैल्यू बिफोर GST 2.5 लाख के ऊपर है तो आप उसमें TDS CGST का 1% और SGST का 1% कलेक्ट करते थे। एंड सर 52 क्या है, ECO इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो लोग TCS कलेक्ट करते थे, उसमें 2.5 लाख का लिमिट नहीं था। तो इन लोगों को अगर लगता है कि वी आर नॉट लायबल फॉर दिस तो उनका नंबर कैंसिल होता था बट विद प्रॉपर ऑफिसर। दस देयर वाज नो ऑप्शन अवेलेबल फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर हैविंग TCS रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, है ना, तो आपके पास खुद अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं था, ये लोग चाहेंगे तो ही अपना नंबर कैंसिल होता था। अब इसमें अमेंडमेंट आ गया, वेयर एंड ऑन अ रिक्वेस्टमेंट बाय राइटिंग बाय पर्सन टू हुम रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड अंडर रूल 12 और अपॉन इंक्वायरी और पर्सन टू एनी ऑर्डर अंडर CGST Act, the proper officer is satisfied that person to whom certificate of registration has been issued is no longer liable to deduct tax at source. The said officer may cancel the registration and it will be communicated. मतलब amendment क्या हुआ है? बस इतना ही है। Rule 12(3) में TDS and TCS जिनके पास है वो number खुद cancel नहीं कर सकते थे। Proper officer को लगेगा तो ही उनका number cancel होता था। But अभी amendment को क्या बोला है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा नंबर कैंसिल करो। हाँ, वो डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, ऑफिसर वेरीफाई करेगा एंड फिर वो आपको राइटिंग में ऑर्डर देगा एंड आपका नंबर कैंसिल किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन में गाइस बहुत सिंपल सिंपल अमेंडमेंट्स हुए हैं, आई डोंट थिंक इतना ऐसा कुछ पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स है। चलो नाउ नेक्स्ट इज टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। चलो सो गाइस ये अपना हो गया रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट्स। पहला अमेंडमेंट मैंने क्या बताया, रिस्क बेस, मतलब आपको आधार कार्ड आपने वेरीफाई किया है उसके बाद भी अगर वो चाहे तो बेस्ड ऑन द रिस्क एनालिसिस वो आके वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक छोटा सा वो अमेंडमेंट था। एंड सेकंड था TDS TCS में अभी अपने पास ऑप्शन है, इवन वी कैन अप्लाई फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो पहले नहीं था। नाउ टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट में छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। देखो वेयर टैक्स सर्विस सप्लाइड बाय और थ्रू ECO और OIGAR to unregistered recipient, tax invoice need to contain name address of the recipient, pin code and name of the state irrespective of value of supply। अभी होता क्या है, जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो ना वहां पे इनवॉइस में काफी कम डिटेल्स आते हैं, तो अभी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे फिर थ्रू ECO हो या ECO मतलब Amazon, Flipkart, OIDR मतलब Netflix, तो अगर आप सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो तो कुछ डिटेल्स भरना भी कंपलसरी कर दिया है। तो बहुत एक थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है। देखो क्या है, पहले रूल 46 का रिवीजन करते हैं। रूल 46 क्या बोलो, आपके इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए वो दिया है। पहला पॉइंट अपन रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप जिसको सप्लाई कर रहे हो वो रजिस्टर है तो उसका नाम, एड्रेस, GST नंबर रिसिपेंट का होना जरूरी है। अगर अनरजिस्टर है तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था, टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन नेम एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, बराबर है।
एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड. तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो उसका नाम, एड्रेस, उसका स्टेट कौन सा है, पिन कोड, जहां पे टैक्सल वैल्यू 50,000 से ज्यादा है ये होना जरूरी है, ये भी अपन ने पढ़ा है. एंड वेयर टैक्सल सप्लाई लेस देन 50,000, इनवॉइस शैल कंटेन ओनली सच डिटेल्स व्हिच व्हेन द रिसिपिएंट रिक्वेस्ट. हाँ, मतलब अगर 50 से कम है तो रिसिपिएंट को जितना चाहिए उतने डिटेल्स आपको देना है. तो ये दो पॉइंट पे आपको फोकस करना है. रजिस्टर में तो प्रॉब्लम नहीं, रजिस्ट्रेशन अगर आपका, आप जिसको सप्लाई कर रहे हो वो रजिस्टर है तो उसको तो सब कुछ देना ही है. लेकिन आप अनरजिस्टर को सप्लाई कर रहे हो तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था, 50,000 के ऊपर अगर सप्लाई है तो उसका नाम, एड्रेस, स्टेट कोड देना जरूरी है 50 के ऊपर. एंड 50 के कम है तो एज पर हिज रिक्वेस्ट उसको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देना जरूरी है. ठीक है, अभी यहाँ पे अमेंडमेंट आया. गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि जो ऑनलाइन सप्लाई करते हैं ईसीओ ओआईडीआर, दे गिव वेरी फ्यू डिटेल्स ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन. सो वहां पे गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया, इनकेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर रिसिपिएंट एड्रेस वेर नॉट प्रॉपरली कैप्चर्ड विच अफेक्टेड फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन स्टेट. अगर रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं रहेगा बराबर तो फिर वो कौन से स्टेट में कंजम्पशन हो रहा है पता नहीं चलेगा, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढना मुश्किल होगा, फिर रेवेन्यू किसको देना है पता चलना मुश्किल होगा. इसलिए अमेंडमेंट किया गया कि जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं उसका एड्रेस बराबर नहीं रहता है फिर वो कौन से स्टेट में कंज्यूम हुआ है पता नहीं चलता है. देयरफॉर फॉलोइंग प्रोविजन इंप्लीमेंटेड टू क्लॉज एफ ऑफ रूल 46 टू एंश्योर दैट मैंडेटरी रिकॉर्डिंग ऑफ एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. नाउ मैंडेटरी किया है अलॉन्ग विद द पिन कोड व्हेन द सेट सर्विस वाज प्रोवाइड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय रजिस्टर्ड पर्सन इवन वैल्यूज बिलो 50,000. क्योंकि ऊपर क्या था, देखो ये देखो, अगर वैल्यू 50 से कम है तो रिसिपिएंट जितना बोलेगा उतना ही डिटेल देना था. तो रिसिपिएंट खाली बोलता था मेरा नाम डालो बस, बाकी जरूरत नहीं है. पर प्रॉब्लम क्या था, उसका नाम डालेंगे ना तो ये कौन से स्टेट में कंज्यूम हुआ है पता नहीं चलता था, उसका पीओएस ढूंढना मुश्किल होता था क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. तो अगर आपने एड्रेस ही नहीं डाला तो कैसा होगा. तो उसको गवर्नमेंट ने अमेंड किया है. अमेंडमेंट क्या बोला है कि आगे, इसके आगे अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थ्रू सर्विस दी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन ईसीओ ओआईडीआर, तो वैल्यू 50,000 से कम भी है तो भी उनका एड्रेस मैंडेटरी किया गया है. तो लर्निंग पॉइंट क्या है, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, मैंने आपको 50,000 से कम सप्लाई किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सप्लाई किया है तो आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे डिटेल तो देंगे, प्लस मेरे लिए कंपल्शन हो गया आई हैव टू पुट योर एड्रेस एंड पिन कोड ताकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई समझने में इजी हो, बस उतना ही है. और एक है, मतलब एकदम सिंपल है, वेयर एनी टैक्सल सर्विस इज सप्लाइड बाय और थ्रू ईसीओ और बाय ओआईडीआर to recipient is unregistered, irrespective of the value of such supply, अभी देखो क्या बोला है, irrespective बोला है, a tax invoice has to be issued by registered person shall contain the name address of the recipient along with the pin code, name of state and state address shall be deemed to be the address on the record of payment. तो दोनों में amendment क्या हुआ है कि आप किसी online platform से supply करो unregistered person को, या OIDR सर्विस हो या ECO हो, कोई भी मोड ऑनलाइन का, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो पहले ऐसा था कि जितना रिसिपिएंट मांगता है 50 के अंदर है तो उतना ही डिटेल दो, अभी वैसे नहीं है. व्हाट इज नेसेसरी बोलो नाउ, आपका नेम एड्रेस पिन कोड स्टेट देना जरूरी है. नेम एड्रेस पिन कोड एंड स्टेट, तो इवन इफ वैल्यू बिलो 50,000 एंड इफ यू आर सप्लाइंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, चार डिटेल्स देना जरूरी है. कौन से चार डिटेल्स, नेम एड्रेस पिन कोड एंड स्टेट, ये देना जरूरी है, बस वही दिया है. ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है. ये पहला प्रोविजन था पुराना वाला 50,000 के अंदर है तो पहले क्या था, रिसिपिएंट जितना रिक्वेस्ट करेगा उतना ही देगा. अभी वैसे नहीं होगा, अभी आपको पूरा देना पड़ेगा. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा, पूरा मतलब चार डिटेल देने पड़ेंगे, बस इतना ही अमेंडमेंट है. Now, अभी इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. अच्छा ये क्या है, पहले एक बार रिवाइज करते हैं. बिल ऑफ सप्लाई इज यूज बाय डीलर इन कंपोजिशन स्कीम, या फिर मेरा सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो मैं बिल ऑफ सप्लाई देता हूँ, या फिर मैं कंपोजिशन स्कीम में तो मैं बिल ऑफ सप्लाई देता हूँ,
एंड अगर मैं टैक्स सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल इनवॉइस देता हूँ, बराबर है कि नहीं? अभी देखो उसका रूल 46A था, पढ़ते हैं इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है। अभी क्या होता था, जब इनवॉइस जाता था उसमें सभी डिटेल्स आते थे, बिल ऑफ सप्लाई में सभी डिटेल्स नहीं आते थे क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई होता था, तो कंबाइन बिल बनता था ना, तो उसके एक क्लैरिफिकेशन आया। रूल 46 से प्रोवाइड दैट नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन रूल 46, रूल 49 और रूल 54, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट गुड सर्विस बोथ टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में इशू सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई फॉर ऑल सेल सप्लाई। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, यस सर, कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं एक साथ आपको दो गुड्स बेच रहा हूं, एक टैक्सेबल है एक एग्जेम्प्ट है, तो मैं आपको कंबाइन बिल दे सकता हूं, इनवॉइस प्लस या कम बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है देखो, इट मे बी ऑब्जर्व दैट इन दिस रिगार्ड नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज इन 46A एक्चुअली रिमूव्स द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हु इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड सर्विस टू इंक्लूड पर्टिकुलर्स प्रिस्क्राइब इन रूल 46 और 49-54, क्योंकि यहां पे पहला वर्ड क्या है, नॉट बी स्टैंडिंग। तो रूल 46A स्टार्ट ही होता है नॉट बी स्टैंडिंग, मतलब क्या है, रूल 46 में जो दिया है, रूल 49 में जो दिया है, रूल 54 में जो दिया है, उसको ये ओवरराइड करता है। एंड ये रूल जो है इसमें दिया है कि इनवॉइस में होना चाहिए। अभी 46A की शुरुआत ही क्या होती है, नॉट बी स्टैंडिंग विद एनीथिंग कंटेंट इन 46, 49, 54, तो इन रूल में जो इनवॉइस में चीजें होना जरूरी है वो लोगों ने डालना बंद कर दिया, बिकॉज क्लियर कट बोला था नॉट बी स्टैंडिंग, तो उसको गवर्नमेंट ने अमेंड किया है। Consequently, rule 46 से amended accordingly to make obligatory on the part of registered person who is supplying taxable as exempt goods service both to unregistered person to include relevant particulars as prescribed in rule as applicable. बस तो जो notwithstanding था उसको bypass करके government बोला कि ठीक है सभी details आना जरूरी है, क्योंकि पहले invoice कम bill of supply में लोग कुछ भी details नहीं डालते थे क्योंकि notwithstanding था, बोलूंगा कि ऐसा नहीं चलेगा। जो रूल 46 में बोला है ना, रिलेवेंट डिटेल्स, नेम, एड्रेस, स्टेट कोड, पिन कोड, वो सब होना भी जरूरी है, ठीक है। मतलब अभी जो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होगा उसका रूल 46A है, बट उसके कंटेंट कहां से आएंगे, 46, 54, 49 मैसेज आएंगे, ठीक है। बस ये छोटा सा एक अमेंडमेंट हुआ है। तो रूल 49 क्या था, बिल ऑफ सप्लाई था, एंड रूल 54 क्या था, स्पेशल केसेस था, रूल 46 नॉर्मल इनवॉइस, रूल 49 बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन स्कीम, रूल 54 अपन ने पढ़ा था ना स्पेशल केसेस, वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज रहे हैं अपन गुड्स, अपन ने स्पेशल केसेस पढ़े थे, तो एक बार नोट चेक कर लेना, रूल 46, रूल 49 एंड रूल 54। नेक्स्ट, अभी अपन ने और एक पढ़ा था ई इनवॉइसेस, तो अगर आपको याद है तो अपने पढ़ा था कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है 17-18 के बाद कभी भी, 17-18 के बाद कभी भी, उनके लिए इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। इनवॉइस होता क्या है, आप जो भी इनवॉइस जनरेट करोगे उसके डिटेल्स गवर्नमेंट को पोर्टल पे देना है, है ना। सो व्हाटएवर इनवॉइसेस आई हैव जनरेटेड आई विल अपडेट द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट का एक अलग से पोर्टल, उस पर डिटेल अपडेट करना है। अभी उसमें अपन ने कुछ एग्जेम्प्शंस पढ़े थे कि उनके लिए इनवॉइस इशू करना कंपलसरी नहीं है, तो अपन ने पढ़ा था इनवॉइसिंग। अच्छा पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं, आइए अपन, मैं आपको लिखे जाता हूं इनवॉइसिंग के पास। अच्छा पहले आपको तीन रूल बता देता हूं, रूल 46 मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो, पहले ये था रूल 46 जहां पे टैक्स इनवॉइस के सभी डिटेल्स होने चाहिए, उसके बाद रूल 49 ये था रूल 54 टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ स्पेशल केसेस, है ना, आईएसडी वगैरह अपन ने पढ़ा था, एंड 49 क्या था, एग्जाम सप्लाई के लिए, ठीक है। तो ये तीन रूल थे। अभी मैं आपको लिखा था इनवॉइसिंग पे अमेंडमेंट क्या हुआ है। इनवॉइसिंग में अपन ने पढ़ा था कि इन लोगों को इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, इनको, अच्छा इनवॉइसिंग किसके लिए जरूरी है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है 17-18 के बाद कभी भी, उनके लिए इनवॉइसिंग कंपलसरी है। इसमें से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी,
स्पेशल एसईजेड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जीटीए मल्टीप्लेक्सेस इनके लिए इनवॉइस इश्यू करना जरूरी नहीं है, ये अपन ने पढ़ा था। अभी उसके बारे में एक अमेंडमेंट आया है, एग्जेम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ इनवॉइस एप्लीकेबल फॉर एंटिटी एज होल एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय नंबर ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई बीइंग मेड बाय सेड एंटिटी। मतलब इन एंटिटी के लिए ये जो एंटिटी थी इनके लिए इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन क्या हुआ, ये एंटिटी के लिए सभी सप्लाई के लिए एप्लीकेबल है या कुछ सप्लाई के लिए बनाना पड़ेगा, ये क्वेरी रेज हुआ है। तो गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जीटीए, मल्टीप्लेक्सेस, इन लोगों के लिए ये तो हमको पता था इनवॉइसिंग के लिए जरूरी नहीं है, बट इज इट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन और इज इट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। तो अमेंडमेंट हुआ है उनके सभी ट्रांजेक्शन के लिए इनवॉइस जरूर नहीं है, ये नेचर ऑफ सप्लाई के हिसाब से होगा। एज ए एंटिटी हमने उनको एग्जम्पशन दिया है, तो ये एंटिटी के कोई भी ट्रांजेक्शन हो, ये एंटिटी के कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उनके लिए इनवॉइस इश्यू करना जरूरी नहीं है। बस दिस इज द स्मॉल अमेंडमेंट। देखो क्या बोला है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय नेचर ऑफ सप्लाई, वही बोला है। तो इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन एज अमेंडेड, सर्टेन सेक्टर्स एंटिटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी जनरेशन ऑफ इनवॉइस एज पर रूल 484, जो अभी मैंने आपको नोट्स में लिखा है। द इशू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वॉज वेदर दिस एग्जेम्पशन वॉज मैंडेटरी जनरेशन ऑफ इनवॉइस इज अवेलेबल फॉर एंटिटीज अ होल और वेदर सेम इज अवेलेबल ओनली फॉर सर्टन सप्लाई। तो इट इज हियरबाय क्लेरिफाई दैट सेड एग्जेम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ इनवॉइस इज फॉर द एंटिटी एज होल एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड By the nature of supply being made, said entity, मतलब ये सबके लिए होगा। ये क्या होगा, सब सभी, मतलब वो पूरे एंटिटी के लिए होगा। ऐसे नहीं होगा कि कुछ ट्रांजेक्शन के लिए मैंडेटरी है, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए नहीं करना है, करेक्ट है? यस, तो बस उतना ही दिया है। अच्छा अभी और एक आया छोटा सा, अ बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड, अच्छा बैंक के लिए भी जरूरत नहीं है इनवॉइसिंग की। Provide banking service may be also involved making supply of some goods like bullion, वो ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं ना। The said banking company exempted from mandatory issue of invoicing, क्योंकि कुछ केसेस में invoicing mandatory था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने clarify किया है कि ये जो entities हैं, इनके लिए invoice बनाना नहीं है, कुछ भी हो जाए ठीक है, एंड उनको invoice जरूर बनाने की जरूरत नहीं है। बस तो छोटा सा amendment है, एक छोटा सा अमेंडमेंट है, बट दिस इज रिलेवेंट ओनली फॉर फाइनल स्टूडेंट। इमिटेशन ज्वेलरी के लिए कुछ केसेस दिए थे अपन ने रूल 138-14 में, तो ये फाइनल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें इनवॉइस नहीं बनता है। वन सच केस था ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिकल आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। द ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ, सिल्वर स्मिथ Whereas other articles can be transferred without generation of e-way bill. अब इसको amend कर दिया and बोला गया कि नहीं, अभी इनके लिए भी क्या होगा, e-way bill, तो imitation jewelry का transportation के लिए e-way bill बनाना पड़ेगा। But I think it's a clarification amendment, इसमें exam में कौन से भी scale पे questions नहीं आएंगे, इसमें exam में questions नहीं आएंगे। तो guys आज अपन यहाँ पे मैं इतना ही cover करता हूँ, last session में बचे हुए सभी amendments cover करूँगा। आज अपन ने अभी registration, इनवॉइस अकाउंट का तीन के अमेंडमेंट्स अपन ने देख लिए, अब इसके ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स नहीं है। सो थैंक यू सो मच, एंड लास्ट लेक्चर और एक होगा जिसमें सभी अमेंडमेंट बच्चों अपन कवर करेंगे। थैंक यू।